गाइस, ना फिर देवांशु अंदर की नमस्कार। हम तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चाहिए जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को अभी तक आपने प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों फिर आज की इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। कुछ इस तरह जो है हमारी आज ब्लॉग चालू हो रही है कि देख लो अभी किस तरह का जो है मौसम बन रखा है। वैसे तो कल बोरसी से आते वक्त कुछ इसी तरह का जो हाल देखने को मिला था, लेकिन दोस्तों कल का जो असर था ना वो आज दिखाया कुछ इस तरह। देखो एकदम जोरों से एकदम बारिश गिर रही है। वैसे तो दोस्तों आज मैंने प्लान बनाया रखा था कि आज मैं मस्त से प्लेस में ले जाऊंगा आप लोगों को, वहां का जो है ना सीन दिखाऊंगा ब्यूटीफुल सा, लेकिन दोस्तों सारा प्लान जो है चौपट हो गया। जैसे देख सकते हो बाहर कितनी जोर से बारिश गिर रही है। बस मैं वेट कर रहा हूँ, जैसी बारिश थमी ना वैसी मैं निकल जाऊंगा। देखते हैं दोस्तों आज कहाँ जाएंगे। वैसे भी सब कुछ जो है ना मौसम के ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं एक चीज दिखाता हूँ, देखो डॉग दिख रहा है, डॉग मेरे नीचे घर वाले ना डॉग पाले हैं। अभी इतनी बारिश में डॉग को अंदर रखना चाहिए सेफली, और इन्होंने जो है ना एकदम खुला छोड़ दिया। देखो कल भी वैसे किया था, आज भी वैसे किया। बेचारा दोस्तों कब से जो है ना चिल्ला रहा है, और ना ही अब घर वाले को होश है ना, तो मैं कितना आवाज लगाया नीचे कोई सुनने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही कि आप लोग इस तरह का हरकत बिल्कुल मत करना। पूरे आंगन में ना ये पूरा घूम रहा है। देखो दोस्तों मैं भी मजबूर हूँ, इतना चिल्लाने के बावजूद भी नीचे घर वाले नहीं निकल रहे हैं। ऊपर से दोस्तों अभी अभी न्यू लोग आए ना, पर भी नहीं है मेरे पास नंबर, रहता तो नीचे वाले लोगों को मैं कॉल कर दिया रहता, और वो बेचारा कहाँ कहाँ घूम रहा। देखो तेज बारिश में, मतलब एक कुत्ता पालते हो तो उसका ठीक से देख रेख करना चाहिए कि नहीं, आपकी जिम्मेदारी है, और इस तरह खुला छोड़ दोगे, मतलब कोई शो ऑफ के लिए कुत्ता चाहिए, लेकिन एंड मोमेंट में इस तरह का जब उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आता है तो ऐसे ही छोड़ दोगे। ओ आंटी, आंटी नीचे वाले को बुला दो ना, थोड़ा सा आवाज दे दो ना, यहाँ पे ताला बंद है बाहर से। वो देखो ना इसको ऐसे ही छोड़ के चले गए, और वो बेचारा कब से चिल्ला रहा है, इधर उधर घूम रहा है। दोस्तों इतना मतलब है, इस तरह का इंसान कभी नहीं देखा हूं मैं। ताला लगा के कौन जाता है। वो देखो बेचारा ना ही खाना देके गए हैं, ना ही उसका कोई शेड है, देखो कहाँ रहेगा वो। और इस तरह के माहौल में दोस्तों ये देखो यहाँ पे सांप बिच्छू क्या क्या घूमता है पता है, पूरा बाड़ी में। ऊपर से बाड़ी उतना क्लीन भी नहीं है। देखो कूदने की कोशिश कर रहा है, कभी यहाँ से कूदने की कोशिश कर रहा है, कभी वहां से। तो दोस्तों ताला बंद है, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे करे। नंबर भी नहीं है, नंबर भी रहता ना मैं कॉल कर दिया रहता दोस्तों। और बारिश जो है ना इसी तरह जो है ना एक दो घंटे तक गिरती रही ना, अब जानते हो फिर क्या होगा। तो दोस्तों इस वक्त मैं हूँ थर्ड फ्लोर में, और यहाँ से बाहर का व्यू बहुत ही प्यारा है, दिखाता हूँ आप लोगों को मैं बैक कैमरे से। तो दोस्तों आप लोगों को मैं एक चीज दिखाता हूँ, देखो देख रहे हो चाट की दुकान, बेचारे ने पहले लगाया था, और अभी का सीन देख लो किस तरह का है। और बेचारा जो है सब कुछ बंद करके ना बस स्टैंड के अंदर बैठा है। 2 hours later. तो दोस्तों 4:30 बजे से जो बारिश गिरी थी ना, अब जाकर जो है ना धीरे धीरे करके थमी है। अभी देख लो कितने बजे, 6:25 हो गए। देखो अब जाकर जो है ना बारिश थमी है। तो दोस्तों जल्दी से चलते पहले मार्केट और कुछ कपड़े जो इस्त्री कराने के लिए देने, फिर उसके बाद जो है अपन घूमने के लिए निकलेंगे। ओके तो दोस्तों ये रही मेरी साइकिल, और देख सकते हो सामने का व्यू किस तरह का है बारिश थमने के बाद। और ऊपर से दोस्तों इस तरह के मौसम में ना निकलने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों इतना पानी भर जाता है, इतना कीचड़ रहता है। लेकिन दोस्तों मार्केट की तरफ अपन निकल तो पड़े। एक बात है जो मुझे खटक रही है, और वो ये कि दोस्तों अभी दुकान खुला होगा कि नहीं खुला होगा, नहीं तो फिर दोस्तों मुझे यहीं से टर्न होकर वापस निकलना पड़ेगा घर की तरफ। ये रही आ गई दुकान दोस्तों दुकान खुली है भैया। कितने देर में हो जाएगा? कल कितने बजे? अभी नहीं हो पाएगा। अरे बोले थे बारिश गिर गया था। कितना लग जाएगा टोटल? हाँ ठीक ओके। चलिए दोस्तों इस्त्री कराने के लिए कपड़े दे दिए, अब वो कपड़े मिलेंगे कल। थोड़ा सा मार्केट घूम के आते, देखते हैं शाम के वक्त किस तरह का नजारा रहता मार्केट का। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा शाम होती साथ हर चीज जो है ना एकदम जगमगाने लगा। चलो फिर चलते हैं मार्केट की तरफ। तो कुछ इस तरह का हाल है दोस्तों चौक तरफ, यहीं से टर्न हो जाते दोस्तों। और दोस्तों ये रहा हमारा ए मार्केट, रात के वक्त कुछ इस तरह दिखता है। दिन में तो आप लोगों को मैंने दिखाया है ओवरऑल व्यू किस तरह दिखता है, रात में भी देख लो कुछ इस तरह नजर आता है। ये देखो ये हैप्पीनेस, बाहर से कुछ इस तरह का व्यू है, जैसे कि मुझे लग ही रहा था रात के वक्त देखने का नजारा ही कुछ और है दोस्तों। ये रहा मेडिकल स्टोर, और ये रही पतंजलि की शॉप, ये रही कपड़े की दुकान, ज्वेलरी शॉप, और यहाँ भी है सामने ज्वेलरी शॉप। तो दोस्तों जरा शिंगारिका में देखे तो किस तरह का हाल है, तो कुछ इस तरह का हाल है शिंगारिका तरफ देख लो, और यहाँ भी। और ये रहा भारत मेडिकल स्टोर में देख लो किस तरह के हाल आते हैं अभी बारिश गिरने के बाद। चलो आगे चलते हैं। ये देखो आशिका टेलर भी फेमस है दोस्तों हमारे ये मार्केट साइड में। और जरा बुक डिपो का देख ले, ये देखो
बुक डिपो में इस वक्त एक कस्टमर ही है, इस साइड है, गिने चुने कस्टमर है। तो दोस्तों ये देखो पार्क ज्वेलर्स, यहाँ भी मेडिकल स्टोर है, और ये देखो राशन स्टोर। राशन स्टोर का देखो किस तरह का हाल है। इस वाली दुकान के सामने उतना भीड़ नहीं दिख रहा है, देखो बारिश गिरने के बाद, और पान ठेले में तो कुछ ज्यादा ही भीड़ लग रहा है, समझ जाओ इस तरह का अगर मौसम हुआ है तो। फिलहाल चलते बाहर, काफी प्यारा व्यू था दोस्तों। रात होने के बाद ना हर चीज जो है ना एकदम जगमगाने लग, यानी कि चारों तरफ दोस्तों ना पूरी रोशनी रोशनी, यानी कि कितना सुंदर व्यू रहता है। और दोस्तों ये रही चाट की दुकान है, देखो अब धीरे धीरे जो है ना कस्टमर्स आ रहे हैं, अभी बारिश थमी है ना इसलिए, अभी देखना कुछ देर में यहाँ पे ना कस्टमर देखना इतने सारे हो जाएंगे ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। ऊपर से दोस्तों एमजेम रोड तरफ से बिल्कुल भी जा नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों उसके मोड़ में ना इतना पानी भरा है, दिखाता हूँ आप लोगों को बैक कैमरे से, देख रहे हो दोस्तों कुछ इस तरह का, देखो रोड में देखो कितना पानी भरा हुआ है, बाप रे बाप। आगे चलते आगे का भी व्यू देखते किस तरह का हालत है। रोड का तो हालत आप लोगों को दिख ही गया होगा, और आसपास का नजारा देख लो, बिल्डिंग के क्या हालत है देख लो। तो दोस्तों आप लोगों को मैं एक चीज दिखाता हूँ, आई होप कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा होगा सुन के, यानी कि जस्ट मेरे सामने जो है ना डीजे बज रहा है, बारिश जैसी थमी, देखो अभी जो है ना शादी वाला माहौल हो गया, यानी कि सब जो है ना बाराती आ गए रोड साइड, अभी दिखाता हूँ बैक कैमरे से किस तरह का व्यू है देखना। तो ये रहे बाराती, और किसी के भी फेस में मास्क नहीं है सिवाय एक आध दो के, और यहाँ पे जो है डीजे, ये देखो तैयारी चल रहा है पूरा, कुछ इसी तरह का सीन है। तो दोस्तों मेरे बिल्डिंग से कुछ इस तरह का व्यू है, ये देखो देख रहे हो आप, धीरे धीरे जो है ना एकदम माहौल बन रहा है। तो दोस्तों कुछ इसी तरह का देखो पार्टी हो रहा है यहाँ पे, ब्यूटीफुल एकदम जोरदार है ना दोस्तों। घर के सामने एक भवन है, वहीं पे जो हो रही है पार्टी अभी इस वक्त। तो दोस्तों आज की इस व्लॉग पे बस इतना ही, दिस इज देवांशु साइनिंग ऑफ, आप लोगों को मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग पे, सब्सक्राइब टू माय चैनल, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।